फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रेन्स में आपका स्वागत है। आप ये देख रहे हैं वीडियो में, ये मेरा गुड़हल का येलो कलर के फ्लावर वाला प्लांट है। देखिए कितना खूबसूरत और बड़ी बड़ी साइज़ के इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। लेकिन इस खूबसूरत फ्लावर्स के साथ साथ ही इस प्लांट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे प्लांट में हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ऑरेंजिश ब्राउन कलर के कुछ बम्प्स नज़र आ रहे हैं इसके स्टेम पर। ये देखिए, यहाँ पर है, ये नीचे यहाँ पर भी है। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये पूरे प्लांट पे मेरे ये हो चुकी है ये प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी जो लीव्स हैं इसकी डिफोलिएट हो चुकी है। आप नीचे से प्लांट को देखोगे तो पूरी पत्तियाँ इसकी टूट चुकी हैं। देखिए, इस तरीके से येलो होती है लीव्स और नीचे गिर जाती हैं, तो पूरा इसमें डिफोलिएशन हो चुका है काफ़ी। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, स्टेम पर आपको नज़र आ रहे हैं बम्प्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये तो फ्रेंड्स, ये जो इंसेक्ट है, ये स्केल इंसेक्ट्स हैं। तो मेरे गुड़हल के प्लांट पर स्केल इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन हो चुका है। तो इस स्केल इंसेक्ट को अगर हम समय रहते नहीं इसका कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, इसको नहीं हटाने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होता है, फिर पूरे हमारे इस स्टेम को कवर कर लेगा और हमारा जो प्लांट है वो डाई हो जाएगा। तो समय रहते अगर आपको भी अपने गार्डन में इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आपके प्लांट पर दिखती है, गुड़हल के अलावा ये रोज़ पर भी हो सकते हैं, फ्रूट प्लांट्स पर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, तो आपको अगर आपके गार्डन में ये दिखते हैं इस तरह के स्केल इंसेक्ट, तो इनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी कि किस तरीके से आप अगर आपके गार्डन में स्केल इंसेक्ट लग गए हैं आपके प्लांट पर, तो किस तरीके से आप उनसे निजात पा सकते हैं। मेरे पास गुड़हल के 5-6 प्लांट हैं, मेरे लगभग सभी प्लांट पर इसका इन्फेस्टेशन हो चुका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्केल इंसेक्ट होते हैं, ये बड़े ही ट्रिकी इंसेक्ट होते हैं। ट्रिकी इन द सेंस कि इनको मतलब हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके ऊपर किसी भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का, किसी केमिकल का इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे, इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक शेल होता है, जिससे कि ये अंदर सुरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, और इन पर किसी भी केमिकल का असर नहीं होता है। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये एक हनीड्यू जैसा सब्सटेंस पदार्थ भी निकालते हैं, जिससे कि आपके प्लांट पर कई बार फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, शूटी मोल्ड भी डेवलप हो जाता है। तो इस इंसेक्ट से निजात पाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके गार्डन में ये है तो आप इसको हटाएं, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे मर सकता है। क्योंकि ये इंसेक्ट क्या करता है कि आपके प्लांट का जो सैप होता है, ये जनरली स्टेम पर लगे रहते हैं या जहाँ से आपकी लीव्स निकलती हैं उस जंक्शन पर जनरली ये लगे रहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ पर पत्ती का एरिया है, यहाँ से लीव्स निकल रही हैं और यहीं पर ये इंसेक्ट लगे हुए हैं। तो पत्तियों के जंक्शन पर ये रहते हैं, तो वहाँ से उसका जो प्लांट का जो सैप होता है उसको ये सक करते रहते हैं और आपके प्लांट को वीक बना देते हैं, बीमार बना देते हैं, और जो पत्तियाँ हैं वो येल्लो होकर गिरने लगती हैं। और कई बार तो जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स भी मैच्योर होने से पहले, मतलब फ्लावर में डेवलप होने से पहले ही गिरने लग जाती हैं। ये देखिए, साफ नज़र आ रहा है, ये पत्तियों के जंक्शन पर जनरली ये लगे रहते हैं। यहाँ से आपकी लीफ निकल रही है और यहाँ पर ही ये आपको स्केल इंसेक्ट नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये देखिए, यहाँ ये कितने सारे स्केल इंसेक्ट लगे हुए हैं। तो यहीं से ये पूरा इसका जो सैप है, जो न्यूट्रिशन है, उसको सक करते रहेंगे और धीरे धीरे जो लीफ है वो इस तरीके से, देखिए, जैसे ये येलो हो जाएगी और ये ऐसे जो पत्ती है वो नीचे ड्रॉप हो जाती हैं। तो आपका प्लांट, देखिए, मेरा प्लांट की भी यही कंडीशन है कि कितनी कम पत्तियाँ, ये बहुत बड़ा मेरा प्लांट है गुड़हल का, तो इसकी कितनी कम पत्तियाँ इस पर रह चुकी हैं, अभी बहुत कम रह गई हैं। और धीरे धीरे ये स्केल इंसेक्ट की वजह से ही इसकी पत्तियाँ सारी ड्रॉप हुई हैं। स्केल इंसेक्ट से निजात पाने के कई तरीके हैं वैसे तो, जैसे कि आप अगर आपके प्लांट पर बहुत हैवी इन्फेस्टेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा ही स्केल इंसेक्ट हो गया, जैसे मान लीजिए पूरा स्टेम इन्होंने कवर कर लिया है, तो आपको बेटर है कि आप उस प्लांट को या तो अपने गार्डन से बिल्कुल हटा दें। लेकिन हम गार्डनर्स के लिए ये बहुत मुश्किल काम है कि हमारे अच्छे हरे भरे पौधे को गार्डन से हम हटा नहीं सकते इस तरीके से। और दूसरा है कि आप प्रूनिंग कर सकते हैं।
तो प्रूनिंग में भी क्या होता है, जैसे देखिए मेरे इस प्लांट पर कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं, बहुत बर्ड्स हैं मेरे इस प्लांट पर। इस पर क्या, जितने भी मेरे पास गुड़हल के प्लांट हैं उन पर अभी काफ़ी इन पर बर्ड्स आ रही हैं। एक एक बंच में देखिए कितनी कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं। तो इतनी बडिंग आपका प्लांट कर रहा है तो आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप उसको प्रून भी करें, क्योंकि उसमें बहुत फ्लावरिंग अभी हो रही है। तो हमें कुछ ऐसा मेथड निकालना है जिससे कि हमारा प्लांट भी बच जाए और हमें उसकी प्रूनिंग भी ना करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसा ही एक स्केल इंसेक्ट को हटाने का एक ऐसा ही तरीका बताऊंगी जिससे कि आपको प्रून भी अपने प्लांट को नहीं करना पड़ेगा और आपका प्लांट बच भी जाएगा। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन हम गार्डनर अपने प्लांट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमें नीम ऑयल लेना है। ये नीम ऑयल आता है, ये गार्डन के यूज वाला ही नीम ऑयल है। गार्डन में जिसको हम एज ए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, तो ये नीम ऑयल हमें 5 ml नीम ऑयल लेना है। और इसको हमें आधा लीटर पानी में मिला लेना है। ये देखिए, ये आधा लीटर पानी है, इसमें हमें ये 5 ml के लगभग। तो इसको पानी में डालने के बाद हम इसको अच्छा से शेक करेंगे जिससे कि जो नीम ऑयल है वो हमारा पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से हमें इसको शेक करना है। आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं आप। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नीम ऑयल होता है ये तो पानी में घुल जाता है, लेकिन हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है वो पानी में नहीं घुलता है। तो उसके लिए आपको उसमें थोड़ा सा कोई भी हर्बल सोप मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको भी इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। आप जो नीम ऑयल है उसका स्प्रे भी कर सकते हैं इन पर, लेकिन मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर कवरिंग रहती है क्योंकि, तो जो सिर्फ स्प्रे है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको किसी कंटेनर में निकाल के, जो हमारा नीम ऑयल का सॉल्यूशन हमने बनाया है उसको किसी कंटेनर में निकाल लेंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने कि ये इसमें निकाल लिया है, ये नीम ऑयल का सॉल्यूशन इसमें ले लिया है। तो अब हम जो ये ब्रश होता है टूथ ब्रश की सहायता से इसको रब करेंगे, इसका स्टेम जहाँ जहाँ भी हमारे इस पर स्केल इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन है वहाँ इसको हम रब करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ से ये आपको नज़र नहीं आएगा स्केल इंसेक्ट, ये साफ हो चुका है। इसी तरीके से आपके जिन भी प्लांट पर स्केल इंसेक्ट लगे हुए हैं आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। इस तरीके से रब करेंगे तो जो स्केल इंसेक्ट है वो हट जाएंगे इससे और वो डाई भी हो जाएंगे, तो आपका जो प्लांट है वो बच जाएगा। ये देखिए, ये पूरा स्टेम, ये स्केल इंसेक्ट के कारण देखिए इसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, सिर्फ टिप पर लीव्स रह गई हैं। आपको इंसेक्ट भी नज़र आ रहे होंगे इसमें। ये देखिए, ये लीव्स के जंक्शन पर ही रहता है क्योंकि ज़्यादा खुद को हाइड कर लेता है, वहाँ पर दिखता भी नहीं हमें। तो इस तरीके से आपको ब्रश की सहायता से एक एक लीफ के एक्सल से आपको ये यहाँ पर जो नीम ऑयल का जो सॉल्यूशन है उसको ब्रश की सहायता से यहाँ पर लगाना है, इस तरीके से रब करना है जिसे जो भी स्केल इंसेक्ट यहाँ पर लगे हों वो सारे यहाँ से हट जाएं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस, लेकिन ये आपके पौधे को बचाने में आपकी हेल्प करेगा। इस तरीके से पूरा जो स्टेम है उस पर आपको अच्छे से ऐसे रबिंग करनी है। और ये जो मेथड है आपको हर 2 दिन के बाद, जैसे मैंने आज किया तो कल नहीं करेंगे, फिर अगले दिन करेंगे, ऐसे 3-4 बार करना है जिससे कि जब तक आपको लग नहीं जाए कि हाँ हमारे प्लांट पर से पूरा की पूरा जो स्केल इंसेक्ट है वो हट चुका है। आपको पूरे प्लांट को इसी तरीके से रब करना है, चाहे आपको स्केल इंसेक्ट नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको पूरे प्लांट पर ये ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि कई बार ये नेकेड आई से हमें इतने छोटे होते हैं कि नज़र भी नहीं आते हैं। इनका कई कलर्स में रहते हैं, कई ब्राउन रहते हैं, ऑरेंज रहते हैं, वाइट भी रहते हैं। तो आपको तो अपने पूरे प्लांट पर ये ट्रीटमेंट करना है। अलग अलग शेप में भी रहते हैं, ओवल रहते हैं, कई बार फ्लैट भी रहते हैं, राउंड शेपेड भी रहते हैं।
तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ यहाँ नहीं है तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करें। आपको अपने पूरे प्लांट पर ही ये नीम ऑयल वाले सॉल्यूशन का एप्लीकेशन करना है। और लीफ एक्सिल्स जो रहती हैं, जहाँ से हमारी ब्रांच निकल रही हैं या पत्तियाँ निकल रही हैं, उन जगहों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इस तरीके से देखो, पूरे प्लांट पर मैंने अप्लाई कर दिया है। आई होप फ्रेंड्स, ये जो मेथड मैंने बताया, ये आपके गार्डन में भी अगर इस तरह के स्केल इंसेक्ट लगे हुए हैं आपके प्लांट पर, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले इसी तरीके के जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।